ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आरोपों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। उन्होंने कहा, जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का किया है, कोई कर ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने पिछड़ा वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी किया और फिर इन्हीं ने स्टे लगवा दिया। अगर पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करते। कमलनाथ को पता था इसमें कुछ नहीं होना है और कमलनाथ की ही सरकार में इसमें स्टे लगा। कमलनाथ पिछड़े वर्ग का हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। शिवराज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। उन्होंने कहा, पिछड़े वर्ग के आरक्षण में जो भी हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब किया कराया कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ने खुद के लोगों को भेजकर उस पर स्टे लगवाया था। जितना नुकसान कांग्रेस ने अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग हो उनका किया है, कोई कर ही नहीं सकता। पिछड़े वर्ग को केवल वोट बैंक के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया और बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते भी स्टे हुआ कोर्ट में। पिछले वर्ग की चिंता थी तो ढंग से वर्कआउट करना था। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना है और उन्हीं की सरकार में स्टे मिला कोर्ट में। अब पिछले वर्ग के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है, वो चाहे किसी भी समाज से आते हो। और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किए जा सकते हैं हम हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये किया धराया सोच समझ के किससे होना कुछ नहीं है। खुद के लोगों को कोर्ट में भेज के स्टे दिलवा देना, और वो जानते थे कि जिस ढंग से उन्होंने किया उससे आरक्षण मिलने ही नहीं है। तो ये सब पाप तो उनका किया धरा है, नियत भी ठीक नहीं थी, नीति तो ठीक है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग सहित सब वर्ग के कल्याणों के लिए कटिबद्ध है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।